देखिए क्या मस्त, तो वो वाटरफॉल है, तो कैसा फील हो रहा आपको रोक? देखो वही नैनो तीन गेट देखा, कुछ ज्ञानी लोग हमारे साथ हैं। तो 2000 आता तो मैं कूद जाता इसमें अपनी गर्लफ्रेंड की आदमी, और फिर मिलता बड़े तालाब में। फर्स्ट महादेव पानी, सेकंड छोटा पचमढ़ी, एंड थर्ड वन देखना मेला घाट। तो तीन ब्लॉक में हमारे तीनों वाटरफॉल कवर हो चुके हैं, और ये तो भाई सबसे मजेदार, सबसे मजेदार लग रहा है। क्यों छोटा पचमढ़ी से मजेदार ना, बहुत सही। बस ये जीप नहीं जा सकते, और थोड़ा बारिश हो जाती तो और अच्छा लगता। खैर अभी भी मजा आ ही रहा है, बहुत सही है। आप क्या चिट जाएगी कूद कैसे? वो भाई देखो मछली पकड़ने गए थे, उन्होंने मछली पकड़ ली आखिर। और भाई क्या वाटर ड्रॉप्स आ रही यार फेस पर, मौसम बहुत शानदार, बहुत। ये देखिए आपको वहाँ से आना पड़ेगा शॉर्ट जगह से, यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है, और वहाँ से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कि बहुत ज़्यादा वेव है। वो भैया ये कह रहे हैं 100 रुपये में जंप लगा देंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक रिस्क, अदरवाइज आपको 500 रुपये तो तभी भी नहीं लगाएंगे। वाओ भाई आपको धूप नहीं लग रही है मुझे? गाइस ये बच्चे लोग हैं, ये पानी के अंदर कूद के वहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं। ओ यार क्या एक्सपीरियंस, क्या स्टैमिना हो। ओ बच गया साला। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I. कितने टाइम का कपूर ड्रॉप? 5 साल का कपूर ड्रॉप? 5 साल का कपूर? ओह भाई, 5 साल का कपूर? मजा आ गया। अंकित ने चश्मा कर दिया। ओ, आ रहे तुम लोग? I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams, then you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out अबे ऑन द स्पॉट नहीं तैरते। तो इस जगह को अभी अच्छे से एंजॉय कर लिया है, नाउ अब सेकंड जगह चलते हैं, वो रोप वे से उस साइड। मे बी आई डोंट नो वो वहाँ क्या है रोप वे से, वो वही तो रास्ता नहीं है, कहीं रोप वे से वहाँ पहुँचे, वहाँ से वाटरफॉल देखो। तो वो वाटरफॉल है, अभी हम वहाँ थे, ये अब हम ऊपर आ चुके हैं, अब रोप वे के मजे लेने जाएंगे, क्या है इसमें माहौल। 5 रुपये का टिकट है रोप वे का, रोप वे से कुछ नहीं होगा, ऊपर से आप व्यू देख सकते हो, वही वाटरफॉल का, बैरा घाट वाटरफॉल का, और ये रोप वे बना हुआ है। फाइनली रोप वे पे बैठ चुके हैं, 95 रुपीज का टिकट है, चलिए वहाँ से नज़ारा देखते हैं कैसा है, और ऊपर रेस्टोरेंट है तो वहाँ कुछ खा भी लेंगे। तो कैसा फील हो रहा आपको रोप वे में बैठ के? बहुत सही, हेलीकॉप्टर में भी ऐसे लगता है ना, हेलीकॉप्टर। ये हम नीचे थे, अभी अभी ऊपर है, ये रोप वे में जा रहे हैं, ये देखो। कोई बात नहीं, देखो भैया हमारे साथ है, नया दिला देंगे। पीछे वाला सीन दिखा दो, पीछे वाला सीन दिखा दो, ठीक है। ये
अभी हम नीचे से आए थे, ये वही जगह है और ये वाटरफॉल दिख रहा है। वाह, व्हाट अ फकिंग गोपाला, गोपाला दिखाओ, गोपाला कहां, गोपाला जहां पे ये गोपाला, ये गोपाला जहां हम जाने वाले, खाने वाले, खाने वाले, लेने वाले। और ये रहा वाटरफॉल और जहां हम थे अभी। क्यों देखो, ये भी वो रास्ता है, देखो प्लेन रास्ता है। ओ फक मैन, वहां से था देखो सिंपल रास्ता, देखो वहीं से स्टार्टिंग से। अभी देखना वहां से कैसे जाओगे आप। अरे यार, अरे सही बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है, पूरा रास्ता वाओ वॉटरफॉल दिखा। कहां तक जा रहा है ये रास्ता? यहीं खत्म हो गया, मैं बाहर से दिखाता हूं। नहीं ये यहां के लिए, हां है तो यार। देखो वही वॉटरफॉल है जो अभी तक। अबे कितना सही दिख रहा है यार यहां से, बहुत शानदार। इसका अगर गलती से फोन गिरा ना, उठाने में नहीं जा पाएगा, जब तक जाएगा तब तक पता नहीं कहां। तो ये हम गोपाला की वादियों में हेलीकॉप्टर के जरिए आ चुके हैं और हमारा हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये वाटरफॉल है वो हम वहां नहा रहे थे अभी। और ये है प्रियांशु भाई, इनकी कल ड्यूटी है। और ये है नर्मदा जी, जी है। और ये हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वो बोल रहे बैठ जाओ। टर्न हो रहा है, टर्न तो होगा ना, वहीं पे जाके छोड़ेगा, कहाँ से पकड़ा था। नहीं मुझे लगा कि वो वहाँ का वहीं जाता होगा। देखो नैनो ओपन, ओपन सेंट्रो वायर। ये नैनो तो बढ़िया लग रही है यार, क्यों नैनो कितनी सही लग रही है ओपन। कोई फोटो खींच ले मेरी, लुक। यहाँ पर बहुत अच्छा रिसोर्ट है, क्या गोपाला नाम है ना, ये रिसेप्शन है, बट रिसेप्शन पे कोई है नहीं, हम यहाँ पूछने आए। वो मुझे ऐसा लग रहा है स्टे भी कर सकते हैं यहाँ। देखो ना ये बने झूला लगे, झूले रिसोर्ट आंटी झूला झूल रही है। अभी है हम गोपाला रेस्टोरेंट में, यहाँ रेसोर्ट है, रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट है और टेस्ट देखते हैं कैसा है। और यहाँ स्टे भी कर सकते हो, पर नाइट कितना होना था, 3500 प्लस जी एस टी, आप यहाँ स्टे कर सकते हो। तो ये है ऊपर से गोपाला से नीचे का व्यू, अभी नीचे से देखा। एंड वी आर नाउ गोइंग टू सी, शिट मैन मेरा पैर कट गया। तो अभी कुछ घंटे पहले हम वहाँ थे नीचे, वहाँ पर फोटो शूट कर रहे थे, नहा रहे थे। अभी हम ऊपर आए हैं गोपाला रेस्टोरेंट, इधर से व्यू देखने के लिए। तो अभी हम हाइट पे हैं, हाइट से तो हाइट से भी बहुत मज़ेदार लग रहा है वो पूरा बैरा घाट का व्यू। ये रोपवे है, रोपवे से हम आए थे अभी। वाह वो कितनी अच्छी क्रिएट, क्यों मुझे ऐसा लगता है महल था राजा वाजा का। उधर से बीच में से पानी आ रहा है, देखो तीन गेट बने ना, बीच में से पानी आ रहा है। कौन सा गेट बना हुआ है? देखो इधर, ये जूम किया, तीन गेट दिख रहे हैं सेंटर में, ये बहुत ज्ञानी लोग हमारे साथ हैं जिनके पास दिमाग की कमी है। क्यों उधर से गेट खुला था, कहां से खुला हुआ था? देखो साइड में। देखो भाई साहब मस्त सो रहे हैं, झरने का मजा लेते हुए। अच्छी नींद आती होगी दादा। हाय, कहाँ पे रखा तुमने? मोबाइल थोड़ा कम चलाया कर। वो देखो वो देख बच्चा। रिटर्न जा रहे हैं गोपाल रिसोर्ट से।
I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. कोई भेड़ाघाट से निकलने का हम जा रहे हैं, शिव मंदिर जो कि है जबलपुर, तो बस के थ्रू जा रहे हैं, देखने का टाइम क्या रहेंगे आपके पास। तो फाइनली रात हो चुकी है, भटकते भटकते पहले गए थे भेड़ाघाट, उसके बाद कहीं नहीं गए, उसके बाद हम यहाँ आए शिव मंदिर में जो कि जबलपुर में है। तो अब रात हो चुकी है और जा रहे हैं शिव मंदिर, पर हमें मिल नहीं रहा है एक बस, दो ऑटो चेंज कर चुके हैं अभी तक, अब पैदल सफर भी, और अब पैदल सफर भी कर रहे हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना। साउंड इफेक्ट बाय पीकू डीजे। शिव मंदिर, शिव जी की कितनी बड़ी प्रतिमा। तो ये है जबलपुर का शिव मंदिर, बहुत बड़ी शिव प्रतिमा है, नंदी महाराज बने हैं यहाँ पर। तो ये था जिसके लिए हम इतनी देर से चल रहे थे, जिसका इंतजार था। वाह, जय भोलेनाथ। कितने फीट ऊंची मूर्ति? 75। कितने साल हो गए इस मंदिर को? 2000 से बना है। वाह, तो 2000 से ये मंदिर बना है, यहाँ पर स्थापना हुई थी, और 75 फीट ऊंची शिव जी की ये प्रतिमा आप देख रहे हैं कैमरे में। ये सब ऑलमोस्ट जबलपुर के ही लोग होंगे। 9 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है, तो 9 बज चुके हैं, गार्ड भैया की सीटी बज चुकी है बाहर जाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं। जय हो मम तो नहीं है महाराज, आशीर्वाद देना। तो ये है जबलपुर का रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन को आप गौर से देखोगे तो ये भेड़ाघाट के जो वाटरफॉल था वो सब वैसी स्टोन चट्टानें बनी हुई है, उसको डिज़ाइन किया गया है, गौर से देखने पता चलता है। वाह, सच क्रिएटिविटी। ये 12 और सुबह ट्रेन है 5 बजे, तो चलिए टाइम पास करते हैं स्टेशन पर। पैसा बर्बाद पहन। हाय, गुड मॉर्निंग ऑल। सो राइट नाउ वी आर एट जबलपुर स्टेशन, और ट्रेन आ चुकी है, रात में रेस्टरूम में थोड़ी सी नींद ले ली थी, सुबह हो गई है, 5:30 बजे ट्रेन आ चुकी है, वाली ट्रेन है कमलापति पे ड्रॉप करी गई है। तो यही सब था, ये जर्नी थी भाई। तो बहुत मस्त वाटरफॉल, बहुत अच्छी जगह है, जाओ। और भी जगह है जो बारिशों की वजह से बंद हो गई थी, वो सब के मजे। Hope you will like this vlog. If you like it, so do like, share, comment and subscribe to our channel. Take care, love you all.